नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फार्मा इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि फार्मा रिटेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, पीसीडी फार्मा इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी जनरेट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स के रिलेटेड भी आप बिजनेसेस कर सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो ये डिपेंड रहता है कि आपके पास कितना फाइनेंस आप यहाँ पे लगाएंगे और साथ में आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस कौन सी चीज़ में। तो बहुत बार आपको कंफ्यूजन होता है। तो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट करने वाला जो बिजनेस है फार्मा में वो है रिटेल फार्मेसी और उसके बाद होलसेल फार्मेसी। तो बहुत सारे लोगों को रिटेल होलसेल में कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया रिटेल वर्सेस होलसेल, जहाँ पे पूरी डिटेल में एनालिसिस किया है। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब लेकिन आज बात करेंगे होलसेल स्टार्ट करेंगे या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसको हम फार्मा मार्केटिंग कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा आपके लिए, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपका बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, एटलीस्ट ये वीडियो देखना चाहिए उनको, क्योंकि एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा बिजनेस सही रहेगा, क्या बेनिफिट्स है और क्या चैलेंजेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होलसेल की। एक्चुअली होलसेल क्या होता है, जिसको फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट भी आप बोल सकते हैं, जहाँ पे मेडिसिन्स आप रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो मेडिसिन कहाँ पे आती है? मेडिसिन्स आती है C&F से, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट। कंपनी से डायरेक्ट C&F होता है। C&F मतलब एक मिनी गोडाउन होता है कंपनी का, जहाँ पे पूरा स्टॉक अवेलेबल रहता है और वहाँ से आप परचेस करेंगे, वहाँ से फिर आप रिटेलर को दे देंगे। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ठीक है, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, जहाँ पे आप B2B बिजनेस है। जनरली ये रिटेलर को आपको मेडिसिन सेल करनी है, हो गया। इसके बाद फार्मा मार्केटिंग कंपनी। अगर फार्मा मार्केटिंग कंपनी मतलब क्या, यहाँ पे आप ब्रांड्स खुद के होंगे आपके, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरे कंपनीज के ब्रांड आप सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके खुद के ब्रांड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड है। तो आपको क्या करना है कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स, मान लो 10 प्रोडक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 10 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके लेके आएंगे आप, और वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आप खुद करेंगे और साथ में मार्केटिंग के राइट्स आपके होंगे। इसका मतलब वो जो कंपनी के जो भी सेल होगा, दैट विल बी योर कंप्लीट प्रॉफिट। ओके, मैन्युफैक्चर होने के बाद आप ही MRP उसकी डिसाइड करेंगे, उसका रेट जो होता है PTR, वो PTS वो आप ही डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट स्कीम भी आप ही डिसाइड करेंगे। तो कुल मिला के आपके पास उसकी मार्केटिंग की राइट्स होती है। तो ये होता है फार्मा मार्केटिंग। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है ये दोनों स्टार्ट करने के लिए। होलसेल की बात करें तो ये डिपेंड है कौन सा होलसेल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, फार्मा होलसेल में आप एलोपैथी कर सकते हैं, जेनरिक कर सकते हैं, सर्जिकल कर सकते हैं, FMCG कर सकते हैं, पेट केयर कर सकते हैं, होम्योपैथी कर सकते हैं, बहुत सारे होलसेल हैं। तो आप कौन सा करना चाहेंगे? जनरली अगर होलसेल एलोपैथी की बात करें तो आपको कम से कम 1,000,000 तक इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है इनिशियल स्टेजेस पे, ठीक है। और फार्मा मार्केटिंग की बात करें तो वो भी डिपेंड है कि आप कितने प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ रहे हो, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 30, 50। जनरली ये 10 प्रोडक्ट इज सफिशियंट रहते हैं, लेकिन 20 प्रोडक्ट होगा तो एक हेल्दी आपके पास कैटेगरी होगी प्रोडक्ट्स की, जो डॉक्टर्स को आप प्रेजेंट कर सकते। तो अगर 10 प्रोडक्ट की भी बात करते हैं तो आपके पास कुल मिला के प्रोडक्ट्स के लिए और ये सारे रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा ये पकड़ के आपके 10 से 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपकी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके डिपेंड है कि आप कौन सी चीज़ में कितना इन्वेस्ट करते हैं, ये भी बहुत अहम मायने रखता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन सा पर्सन ये बिजनेस कर सकता है। होलसेल बिजनेस रजिस्टर फार्मासिस्ट कर सकता है, या फिर आप अगर नॉन फार्मासिस्ट है तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट है तो, नॉन ग्रेजुएट है तो 3 साल के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलिंग में। ओके, तो ये आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाता है।
फार्मा मार्केटिंग में भी सेम ही है, अगर आप फार्मासिस्ट है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, बट यस अगर नहीं है तो ये जो मैंने होलसेल के लिए एलिजिबिलिटी बताया वही एलिजिबिलिटी यहाँ पे होती है। जनरली आपको फार्मा होलसेल का लाइसेंस निकालना पड़ता है फार्मा मार्केटिंग कंपनी के लिए भी, बट यस देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। तो जनरली आपके शॉप का एरिया 120 स्क्वायर फीट होना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, साथ में आपके शॉप का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए 5 साल का, और आपके खुद के क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, बी फार्मेसी किए तो ग्रेजुएशन का आपका जो मार्क लिस्ट होता है लास्ट ईयर का वो सर्टिफिकेट लगेगा, और इसके बाद आपके पर्सनल जो एड्रेस प्रूफ हो या आइडेंटिटी प्रूफ हो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन, और उसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस जनरेट हो जाता है जब ड्रग इंस्पेक्टर आपके शॉप में विजिट करता है। उसके बाद वो ड्रग इंस्पेक्टर अगर पूरी डॉक्यूमेंटेशन सही रही तो आपको ड्रग लाइसेंस इशू किया जाता है, ये सारी प्रोसीजर ऑनलाइन ही रहती है। अब इसकी फीस की बात करें तो कुल मिला के आपको सिर्फ होलसेल लाइसेंस के लिए लगभग 3,500 तक फीस आपको लग सकती है, ये हो गया होलसेल। फार्मा मार्केटिंग, अब फार्मा मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास खुद की कंपनी होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड या LLP कंपनी होगी। अब इसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके ब्रांड्स को रजिस्टर करना होगा, ट्रेडमार्क्स रजिस्टर करने होंगे, उसके बाद GST निकालना होगा। अब होलसेल में भी GST लगता है, होलसेल में एक्चुअली 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर होगा ये सालाना, तब तो आपको GST निकालना है, लेकिन होलसेल में होता ही है एंड फार्मा मार्केटिंग में आल्सो होता है, तो ये GST कंपलसरी है दोनों जगह पे। इसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस निकालना है, ड्रग लाइसेंस की प्रोसीजर जो होलसेल में बताई वही प्रोसीजर एज इट इज़ है यहाँ पे, लेकिन हाँ MOA AOA ये सर्टिफिकेशन आपको लगेंगे यहाँ पे, और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको ड्रग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, एंड अब प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट ऑर्डर करके लेके आ सकते हैं। बस आपको पैकेजिंग क्या चाहिए, एलू पैकिंग है, ब्लिस्टर पैकिंग है, बॉटल की बोले तो ग्लास बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल्स है, और अलग अलग फॉर्मुलेशन है, अलग अलग पैकिंग है, तो कैसा पैकिंग चाहिए, 10 गोली का पैकिंग चाहिए, 6 गोली का चाहिए, ये सारे आपको पहले डिसाइड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर देनी पड़ती है, फिर वो लॉट आ जाता है। अब कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है ये भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, ओके, तो हम बात करेंगे होलसेल। होलसेल अगर सक्सेसफुल बनाना है तो क्या ज़रूरी है, सबसे पहला आपकी कंपनी, कौन सी कंपनी ले रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, कंपनी ले रहे हैं तो वो वेल रनिंग कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी अच्छी ले ली आपने तो काम बनता है कि नहीं, इसके आगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट कौन कौन से ले रहे हैं आप, वो वेल रनिंग कंपनी के प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। जनरली अगर आप एलोपैथिक चालू कर रहे हैं तो एलोपैथिक के जो टॉप रनिंग कंपनीज है मल्टीनेशनल वो ले लीजिए, और साथ में OTC के ब्रांड्स भी कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रिटेलर से कनेक्शन। जितने ज़्यादा ज़्यादा रिटेलर्स आपके साथ होंगे उतना आपका बिलिंग ज़्यादा होगा, उतना आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा। इसके लिए रिटेलर से कंटिन्यूसली कनेक्शन रखना, आपकी आपके पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी रखना, और प्रोडक्ट की प्रॉपर स्कीम देना विथ प्रॉपर रेट, ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हैं, एंड एट द सेम टाइम सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब डिलीवरी, एक दिन में ऑर्डर ली और उसी दिन ऑर्डर की डिलीवरी भी हो गए, तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ रिटेलर्स गेन करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। साथ में अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ऑनलाइन भी आपके रिटेलर अगर ऑर्डर दे सकते हैं आपको, सो दैट विल बी मोर बेटर। तो इस तरीके से आपको रिटेलर को एंगेज करना है, इसके लिए खुद के स्टाफ को भी बहुत एंगेज करना पड़ता है, ऑर्डर बॉयज़ आपके पास होने चाहिए, डिलीवरी बॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास बेसिक है, और उसके बाद क्या क्या लगेगा आगे हम बात करेंगे, एम्प्लॉइज कितने लगेंगे, लेकिन आपके पास भी वो स्टाफ होना चाहिए और रिटेलर से कनेक्शन होना चाहिए, तब आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अब फार्मा मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, फार्मा मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, आपके पास मॉलिक्यूल चाहिए, वो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉलिक्यूल चाहिए जो भी मार्केट में चल रहे वो, और कुछ नीश मॉलिक्यूल जो आप यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं।
आप कौन सी कैटेगरी के साथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जनरल पूरे कैटेगरी के साथ जाते हैं, जो सारे डॉक्टर्स को मिलना होता है, मतलब एक जनरल प्रोडक्ट होता है। और कुछ डॉक्टर्स, कुछ कंपनीज होती है जो स्पेशलाइजेशन के साथ जाती है, चाहे वो गायनेक स्पेशलिटी हो या फिर डेंटिस्ट हो या फिर पेडेट्रिक हो या फिर न्यूरोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिक हो, ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी वाइज आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पेशलिटी वाइज जाइए, बिकॉज आपके स्पेशलिटी वाइज जाएंगे तो डॉक्टर्स सेग्रीगेट आपको इजीली हो पाएंगे, और साथ में आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा होंगे। मतलब एक स्ट्रेंथ, मान लो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावलेंट है, तो उसमें सारी स्ट्रेंथ 228, 375, 625, 457 का सिरप है, तो ये सारा आपके पास होगा। सो आपके बकेट में पूरे प्रोडक्ट होंगे। सो लाइकवाइज आप स्पेशलिटी वाइज जाएंगे तो आपके पास उतने स्ट्रेंथ भी अवेलेबल होगी, तो दैट विल बी मोर बेटर। साथ में आपके पास मार्केटिंग टीम अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके ले किया है, बेस्ट पैकिंग भी है, आप प्रोडक्ट स्कीम भी अच्छे दे देंगे, प्रोडक्ट का एमआरपी एंड रेट भी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए आपके मार्केट के हिसाब से, लेकिन साथ में मार्केटिंग की टीम डेवलप होनी चाहिए। मार्केटिंग की टीम डेवलप अगर होगी अच्छे से, पॉलिसी अच्छी बनाइए, एमआर जो होता है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको पूरी तरीके से ट्रेन कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपकी टीम बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट रिवेन्यू एज वेल इन द फार्मा मार्केटिंग कंपनी। अब ये होगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज लगते हैं यहाँ पे। अगर होलसेल की बात करें तो कम से कम आप जिस एरिया में कर रहे हैं तो दो ऑर्डर बॉयज लगेंगे, दो डिलीवरी बॉयज लगेंगे, एक टेलीफोनिक ऑर्डर के लिए एक लेडीज लगेगी, साथ में एक मैनेजर लगेगा और साथ में फार्मासिस्ट लगेगा, तो इतने सारे लोग कुल मिला के लगते हैं। 7 लोग आई थिंक लगेंगे मिनिमम, इसके आगे और भी लग सकते। अब इसके बाद फार्मा मार्केटिंग में कितने लोग लगेंगे, अब ये है आपके एरिया पे, कौन से एरिया पे फोकस करें। मान लो एक दो एरिया पे फोकस करें और बड़े एक सिटी है उसमें ही आपको हेडक्वार्टर्स बनाने, ठीक है, एक दो सिटीज आपने ले ली, तो आपको एमआर लगेंगे 6 MR लगेंगे और 6 MR के ऊपर एक एरिया बिजनेस मैनेजर लगेगा, तो 7 लोग यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करने हैं आपको, ओके। अगर खुद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बात अलग है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं तो रिटेलर खुद भी वो ऑर्डर दे सकते हैं, और द क्रेडिट मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि आपको 10% मार्जिन देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को, बट दैट विल बी बेटर, ओके। तो आप मार्केट के हिसाब से भी चलोगे और साथ में आपकी ग्रोथ भी होगी वहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर मैनेजमेंट मैं बता रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। होलसेल करेंगे तो 10% प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन अगर आप ट्रेड कटिंग स्टार्ट करते हैं तो 8% मार्जिन है, ठीक है। ट्रेड कटिंग मतलब क्या, तो आप जब स्टार्ट करते हैं कोई भी होलसेल तो डायरेक्टली कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देती, तो आप किसी भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मेडिसिन लेंगे और वहाँ पे 2% कट होते हैं, तो इसके लिए आपको 8% में बिजनेस करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप फार्मा मार्केटिंग में कितना आपको रिवेन्यू, मतलब एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो आपको रखना चाहिए, एक्चुअली ये आपके ऊपर है कितना रखना चाहिए। बेसिकली आपको 30% मार्जिन रखना चाहिए खुद के लिए, जो बाकी सप्लाई चेन हो, रिटेलर, होलसेल और जो मार्केटिंग टीम है वहाँ पे, या एक्सपेंसेस होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, प्रमोशनल मटेरियल भी बनाना पड़ता है, राइट, LBL बनाना पड़ता है, इसके साथ डिटेलिंग गाइड बनानी पड़ती है रोज़ के, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रमोट करने होते हैं, डॉक्टर्स को इनपुट देने होते हैं, तो वो अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपके ऊपर, आपके साथ 30% मार्जिन डेफिनेटली रहना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो होलसेल में आप PCD कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मा मार्केटिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फार्मा मार्केटिंग की बात करें तो आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। तो ये था एक ओवरव्यू फार्मा मार्केटिंग कंपनी वर्सेस फार्मा होलसेल या फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप बोल सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ये मुझे बताइए। यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चंस के जवाब मैंने ऑलरेडी दिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।